हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार हुआ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आएगा राइट साइड में, उस पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इस पर ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ऑल पे क्लिक करेंगे, अगला वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा, आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको जो है YouTube पे जो चैनल बनाते हैं उसका जो थंबनेल रहता है वो चेंज कैसे करना है, और चेंज कैसे करने के बाद अब नया थंबनेल बना करके कैसे अपलोड करना है। तो सबसे आप पहले आपको प्ले स्टोर में चला जाना। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पिक्स आर्ट आपको यहाँ पे सर्च करना है। पिक्स आर्ट आपको सर्च करने के बाद ये डाउनलोड ही करना है। देख सकते हैं यहाँ पे कैसा है इसका जो है लोगो दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। लोगो देने के बाद इसको डाउनलोड ही करना है। डाउनलोड मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसको ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे तो जस्ट वेट करेंगे, इस पर आपको ऐसे दिखेगा, जो होम पेज आपको ऐसा दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये बीच में जो मिडिल में प्लस है, प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे जैसे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ गया है जो कुछ दिन पहले ही अपडेट हुआ है पिक्स आर्ट में, जो पहले नहीं था ऐसा इतना ऑप्शन। तो यहाँ से वीडियो एडिट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको थंबनेल बनाना है, तो उसके बाद उससे पहले आपको एडिट फोटो पे क्लिक कर देना है। एडिट फोटो पे क्लिक करना है तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड लेने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारा कलर्स दिया हुआ है, देख सकते हैं बहुत सारा कलर्स है, जितना आप दे सकते हैं। आप ये फ्री 7 डेज फ्री ट्रायल बोल रहा है आपको यहाँ से, मतलब जो जो जिस पे ये मतलब आपको किंग की तरह जो हेलमेट दिख रहा है वो जो है इसमें को बाइक करना पड़ता है। तो पहले क्या करना, आपको फ्री से बैकग्राउंड के लिए आपको कलर पहले सेव कर लेना। जैसे इस पर पहले ब्लैक सेव कर लेता हूँ। जैसे इस पर टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव कर ऑप्शन ऊपर इस साइड जाएंगे, इसके बाद गैलरी पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। उसके बाद बाइक लेंगे, फिर बाइक लेंगे, उसके बाद दूसरा कलर को सेव कर लेता हूँ। जैसे ये इस कलर का सेव कर लेता हूँ, ऐसे ही आपको सेव कर लेना है जा करके। तो सेव करने के बाद आप देख सकते हो। अब मैं एक आपको थंबनेल बना कर देख लेता हूँ, जो मैं आधार कार्ड कैसे अपने मोबाइल से डाउनलोडिंग करूँ उसके लिए थंबनेल बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वाइट पे आपको क्लिक करना है। वाइट पे क्लिक करने के बाद आपको टूल्स पे क्लिक करना है। ये फर्स्ट में आप देख सकते हैं, सेकेंड बार में टूल्स हैं, और वो टूल्स पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको क्रॉप पे जाना है। क्रॉप पे जाने के बाद यहाँ पे आपको यूट्यूब के लिए अगर वीडियो आपको बनाना है तो उसके लिए 16:9 पे इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन एक सही का साइन है, टिक इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका एक हो जाएगा 16:9 का। तो इस पर आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, इधर जाएंगे राइट साइड में, यहाँ पे ऐड फोटो का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहले जो हम कलर करके जो फोटो सेव किए थे उसको एक उठाएंगे, यहाँ पे सेव कर ऐड करेंगे, और बहुत सारे एक ही बार में आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक ऐड कर लेता हूँ पहले आपको। तो उसके बाद आप इसको आप इसको आगे पीछे भी सब कुछ कर सकते हैं, छोटा आगे पीछे कर सकते हैं कलर वाला को। तो इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको सेट कर देते हैं। यहाँ से आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, बड़े छोटे भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब थोड़ी दिन ट्राई करेंगे, बस एक दो दिन ट्राई करेंगे, सब कुछ आराम से सीख जाएंगे। तो ये हो गया, इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। फिर दूसरा मैं पिक्स ले लेता हूँ, तीसरा पिक्स मैं ले लेता हूँ कोई निकाल करके। अब मान के चलो मैं कोई पिक्स, एक पिक्स ले लिया जिसको मुझे सिर्फ कलर चाहिए इसको। इसके बाद यहाँ पे देखना, क्रॉप का भी एक ऑप्शन में आएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्रॉप का ऑप्शन है, इसके बाद आप यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है, मेरे को येलो कलर लेना है, येलो कलर लेना है, उसके लिए मैं यहाँ पे येलो कलर को चूज कर लिया। उसके बाद मैं इसको ब्रा कर दिया, उसके बाद मैं इसको इधर थोड़ा घिसका दिया, इधर घिसका दिया, उसके बाद मैं इसको इसे कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। दो हो गया इसके बाद सेव। उसके बाद मैं तीसरा भी कर लेता हूँ जो पूरा क्लियर हो जाए। उसके बदले मैं यहाँ से एक पिक्स उठाता हूँ, उसके बाद क्रॉप पे जाता हूँ। क्रॉप पे जाने के बाद ये थोड़ा कलर ले लेता हूँ, मैं ये बैकग्राउंड कलर में बैकग्राउंड डाल रहा हूँ। ये कलर लेने के बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको ब्रा करता हूँ। इसको थोड़ा ज़्यादा ही पूरा ब्रा करना पड़ेगा। मैं थोड़ा इसको अपना माइंड में सोचना है कि किस हिसाब से आपको बनाना है थंबनेल। इसके बाद यहाँ पर सेटअप करना है, उसके बाद यहाँ पर सेव कर देना। आप यहाँ पर जो वाइट दिया हूँ यहाँ पर मैं एक पिक्स डालूंगा जो आधार कार्ड का, वैसे तो यहाँ पे आपको टाइप लिखना कैसे है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन टी। टेक्स्ट के ऑप्शन पे आप हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, आपका कीबोर्ड देखना चाहिए। आपको कीबोर्ड कैसे हिंदी इंग्लिश में लाना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अभी क्या करना है, मुझे लिखना है यहाँ पे मोबाइल से
मोबाइल से इस पर क्लिक करेंगे, उसके मोबाइल से लिख दें हिंदी में, उसके बाद ये सही टाइम पे क्लिक है, इस पर क्लिक कर देना है ओके पे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मतलब स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो टेक्स्ट किया है उसका साइज आगे पीछे छोटा और चेंज होते जाएगा। तो इसको मैं इस पर लेके आकर के यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ ये, और क्या और भी ट्रॉन पे जा करके मैं इसको बड़ा कर दिया। यहाँ नीचे में कलर है, उसके बाद कलर पे आप जा करके अपना कलर इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर दूसरा दे देता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रोक का भी एक ऑप्शन मिलेगा, स्ट्रोक के ऑप्शन मिलने के बाद यहाँ से आप चूज कर सकते हैं जो कलर आपको इस साइड में जो जैसे देख सकते हैं, ये देखिए बढ़ गया, बैकग्राउंड भी बढ़ गया है, उसके बाद ये भी बढ़ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप वाइट भी दे सकते हैं, इसका वाइट भी दे सकते हैं, तो वाइट थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा क्लीननेस है, तो मैं वाइट ही रहने तो उसके बाद यहाँ पे टिक कर दें। दूसरा मोबाइल से आधार कार्ड फिर लिख देगा, उसके बाद मेरे को सही पे टिक किया। उसके बाद मैं फिर इसी पे जाऊंगा और भी ट्रॉन पे, उसके बाद इसको साइज में बड़ा करना है, उसके बाद इसको थोड़ा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आधार मोबाइल से आधार कार्ड, उसके बाद फिर इस पर ओके कर देना है। तो ओके मैंने फिर से टाइप कर लेंगे, हो गया दो मोबाइल से आधार कार्ड। अब लिखना है कैसे डाउनलोड करें, मोबाइल से आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो इसके लिए भी हम इसको स्क्रॉल करते हैं, इसमें जाते हैं, साइज में बड़ा कर देते हैं इसको, और ये आ गया यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कलर में आप इसको क्लिक करेंगे, कलर में आपको ये मेजोरिटी मतलब सिंगल कलर भी मिलेगा, उसके बाद ग्रेडियंट कलर भी कर सकते हैं, जैसे ग्रेडियंट कलर में दो कलर ले सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं एक ये कलर देता हूँ और इस साइड जो है एक ये कलर देता हूँ, तो दोनों कलर देख सकते हैं कितना प्यारा हो गया आपको, थोड़ा एक येलो और थोड़ा डार्क येलो भी आ गया। तो ये इस पर आप ओके कर दे रहा हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर मैं एक फोटोस लगाऊंगा जो आपको देख सकते हो, मोबाइल का जो आधार कार्ड रहता है उस पर क्या करता हूँ, मैं एक मोबाइल का थंबनेल डाउनलोड करके रखा हूँ, तो ये आपको PNG होगा, इसको मैं क्रॉप कर लूँगा। क्रॉप करने के बाद यहाँ थोड़ा क्रॉप कर लूँगा क्योंकि यहाँ अंदर बैकग्राउंड वाइट ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे। यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे जाकर इसको जो है यहाँ पे इसको सेटअप कर देता हूँ, सेटअप कर दिया ये, यहाँ पे आप ओके कर दिए। उसके अंदर मैं एक आधार कार्ड का फोटोस लगा देता हूँ जो कि मैं अपना खुद का लगा देता, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ यहाँ से। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर में देते हैं क्योंकि स्क्वायर में इसमें दे देता हूँ। इसमें लेने के बाद थोड़ा कट कर लेता हूँ इसको, ये डिजाइन से नहीं होगा। उसके क्वालिटी इसको मतलब चारों साइड राउंड लेने के लिए यहाँ पे आपको शेप पे जाना है, शेप पे राइट साइड में क्लिक करके आपको ये शेप पे ऐसे बढ़ा करके ऐसे इसको आप अपने हिसाब से बढ़ा करके जैसे आपको क्रॉप करना है वैसे यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ, दो तीन दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी क्रॉप सब कुछ करना आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ से उठा करके यहाँ रखना है और इसको थोड़ा मोबाइल की तरह आप यहाँ से सेटअप इसको कर देना है। इसको आप जूम भी कर सकते हैं, देखिए इसे जूम करके आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं आराम से। एक मिनट थोड़ा मैं इसको कर लेता हूँ, ये देखिए पूरा लग रहा है कि मोबाइल में है। इसके बाद यहाँ पे टिक कर लेना है, अब देखिए पूरा थंबनेल रेडी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको यहीं पे जो है सेव पे जाना है, मतलब इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव गैलरी पे क्लिक कर देना, सेव गैलरी पे क्लिक कर देना, ये आपके फ़ोन में सेव हो गया। अब क्या करना है, आप जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हो तो तभी भी आप चेंज कर सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो टाइम बता दूंगा। और उसके बाद आप ये यूट्यूब क्रिएटर हो गया, मान के चलो मुझे जो वीडियो मैं डाउनलोड अपलोड कर रहा हूँ उसमें थंबनेल नहीं लगाया हूँ, तो उसको थंबनेल बना चेंज करना है, तो इस पर आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये आपको गूगल प्ले स्टोर में फ्री मिल जाएगा, आपको डाउनलोड नहीं करना है। जैसे इस पर मेरे को इस पर लगाना है तो इस पर मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आपको ये पेन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से पेन पे क्लिक करने के बाद एडिट का ऑप्शन आ जाएगा सबका। यहाँ से आप अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन, आपको टैग्स जो डाले हैं यहाँ से जो टैग्स, और आपको यहाँ पब्लिक करना है या ये एक बच्चे के लिए है कि नहीं, आप यहाँ प्लेलिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी आप लिख सकते हैं यहाँ से, जो वीडियो पे आप अपलोड कर देते हैं, लेकिन यहाँ से आप टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे थंबनेल पे लेने के लिए आपको यहाँ पे एक पेन पे क्लिक करना है। पेन पे जैसे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको चेंज पे जैसे क्लिक करना है, चेंज पे आपको जो अपना थंबनेल बनाए वो अपलोड करना है। तो मैं ये तो अभी ये बनाया हूँ, लेकिन मेरा पहले का ही थंबनेल बहुत अच्छा था तो मैं वहीं उसको रहने देना, तो मैं उसको थंबनेल पे क्लिक करके
ऐसे ही देख लीजिए, आगे जाइए, पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एडवांस में कुछ सेटिंग्स करना है तो वो भी कर सकते हैं, यहीं से आप वीडियो भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कमेंट जो ऑल कमेंट्स अलाउ ऑन कर दी हूँ, कमेंट मैं चाहता हूँ कि ऑन रहे मेरे वीडियो पे, क्योंकि मैं तो फेक वीडियो कोई बना नहीं रहा हूँ, जो भी वीडियो रहता है लाइव ही रहता है। उसके बाद आपका यूट्यूब पे चैनल जो है ना, आपको कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी चेंज कर सकते हैं, सभी वीडियो में अलग तरह से भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई वीडियो आपके म्यूजिक हुआ, कोई गेमिंग हुआ, तो गेमिंग के लिए भी आप कैटेगरी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। परमानेंट कैटेगरी चेंज करने के लिए मैं दूसरा वीडियो आपको बना दूंगा। और यहाँ से आप देखिए यूट्यूब का दो लाइसेंस होता है, वो भी लाइसेंस आप चेंज कर सकते हैं, क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन, और फर्स्ट में है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस का मतलब यही हो जाता है कि जो आपका आपका जो वीडियो है ना, कोई अगर डाउनलोड करके कोई अपलोड करेगा तो आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका वीडियो कोई यूज किया है, तो आप उसको कॉपीराइट करके या तो बोल सकते हैं मेरा भाई मेरा यूट्यूब वीडियो डिलीट करो। तो यहाँ पे आपको कर देना है, सब कुछ अपलोड कर लेना है। थंबनेल अपलोड कैसे करना है ये देखिए, पेन पे यहाँ पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपको जा करके चेंज पे जा करके कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव करने के बाद थोड़ा 2 सेकंड टाइम लेगा। उसके बाद आपको यहाँ बैक लेना है, बैक लेने के बाद आप अपना यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश होने के बाद आप देख सकते हैं जो ये अपलोड हो चुका है, और यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। तो यहीं से आप मतलब वीडियो का थंबनेल और वीडियो का टाइटल, वीडियो का डिस्क्रिप्शन और वीडियो का आपको टैग्स, आपको प्लेलिस्ट, ये सब आप यहीं से भी चेंज कर सकते हैं। तो आप अच्छा समझ गए होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया और हो रहा होगा तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। और पिक्स आर्ट में अच्छा से ट्राई कीजिए, जितना दिन आप प्रैक्टिस करेंगे आप थोड़ी अच्छा अच्छा करके सीख जाएंगे। अगर आप और चाहते हैं पिक्स आर्ट्स पे वीडियो बनाएं तो मैं उसके लिए और वीडियो बना दूंगा, तो मेरे को कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।